अस्सलामुअलैकुम, सेकेंड टर्म डे 12 यूनिट नंबर 13 साउंड्स अराउंड अस, यानी हमारे इर्द गिर्द की आवाज़ें। हम बहुत सारी आवाज़ें अपने इर्द गिर्द सुनते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आवाज़ें किन किन तरीक़ों से पैदा होती हैं, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। यानी मैं बोल रही हूँ तो आप तक आवाज़ आ रही है, मेरे बोलने से आवाज़ पैदा हो रही है, हम किसी चीज़ को हिलाएँगे या डेस्क बजाएँगे तो उससे भी आवाज़ पैदा होगी, दरवाज़ा खोलेंगे तो उससे भी आवाज़ पैदा होगी। साउंड्स की टाइप्स होती हैं, सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड। जो आवाज़ हमें हल्की सुनाई दे उसे सॉफ्ट साउंड बोलते हैं, और जो ऊंची सुनाई दे उसको लाउड बोलते हैं। आज हम करेंगे वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास साउंड्स। साउंड्स का मतलब होता है आवाज़ें। अब हम करेंगे वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास साउंड्स। साउंड का मतलब होता है आवाज़ें। अलिफ मद्दा, वाओ, अलिफ, जे, ये और नून गुन। सेकेंड वर्ड है हमारे पास हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। सीन का सिरा बनाएंगे, नून, नून अलिफना, सुनना। थर्ड हमारे पास सॉफ्ट है। ये साउंड की टाइप होती है, सॉफ्ट साउंड यानी हल्की आवाज़। नर्व, सॉफ्ट आएगा हमारे पास नर्व। फोर्थ वर्ड है हमारे पास बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, नून, ये, चे, बड़ी। फिफ्थ वर्ड है हमारे पास लाउड। ये भी साउंड साउंड की टाइप होती है, इसका मतलब होता है ऊंचा। नून, चे, छोटी, ऊंची।